तो भाई तुम्हें तो ये सीन याद ही होगा जिसमें अपने मजनू विजन की गलती की वजह से वॉर मशीन के लौड़े लग जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजर्ड हो जाता है, इवन दो पैरालाइज भी हो जाता है। लेकिन वहीं पर आयरन मैन का सूट जब आयरन मैन 1 में गिरता है इतनी ऊंचाई से, तब तो भाई साहब ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि उसको भी थोड़ी बहुत चोटें लगती है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोगों का पूछना था कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस चीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि रोडी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरा था और आयरन मैन कम ऊंचाई से गिरा था, या फिर तो रोडी के आर्क रिएक्टर पे लगी चोट की वजह से उसका आर्क रिएक्टर बंद हो जाता है और इसी वजह से वो ज्यादा घायल हो जाता है। मगर मेरी इस चीज पे एक दूसरी थ्योरी है। जैसा कि हमें पता है कि वॉर मशीन ज्यादा भारी है क्योंकि उसमें ज्यादा हथियार लगे हैं, और इसी वजह से जब रोडी इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरा तो क्योंकि वॉर मशीन बहुत ही ज्यादा भारी था इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। बाकी इस चीज पे आपके थॉट्स क्या है ये मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना।